आज हम लोग SN1 SN2 देखेंगे। SN1 SN2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे बाकी पोर्शन। पिछले वीडियो में हम लोग जैसे हम बताए थे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, उसके हम आगे देखेंगे। यानी कि कोई ग्रुप, जैसे आपको हम बताए थे कि CH3 क्लोरीन है, आप इसको तोड़िएगा, हटाइएगा, तो जैसे बैक साइड से जब अटैक करेगा तरीके से यहाँ से हटना शुरू होगा। जब हटना शुरू होगा तो इस तरह से ये हटते चले जाएगा, ये क्लोरीन निकलते चले जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज दिखाते हैं कि जब हटेगा निगेटिव चार्ज लेके आएगा, कोई न्यूक्लियर फायर अटैक करेगा उसका निगेटिव चार्ज, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हट रहा है तो थोड़ा सा रहेगा ही, जब अटैक करेगा थोड़ा सा इस पर चार्ज रहेगा। अब क्या है, ये यहाँ पर हट गया आपका, तो CH3 OH लिखेंगे हम यहाँ पर CL। इसको हम बताए थे कि ये SN2 के अंदर आता है, तो SN2 के अंदर आ रहा है तो यानी कि इसको हम थोड़ा सा और डिटेल देख लें तो CH3 को आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर हाइब्रिडेशन पता होगा CH यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तो क्या है sp3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीन बॉन्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, H H और H। एक बॉन्ड को हम उसका ऑर्बिटल शेप में लेके चलते हैं, एक sp3 ऐसे लेते हैं, यहाँ पर आपका एक H बॉन्ड बना हुआ। ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आपको बैक साइड से अटैक करता है। जब ये बैक साइड से अटैक करता है तो इस ढंग से अटैक करेगा, इस पर छोटा लो पे। अब सवाल उठता है कि इस पर क्यों नहीं अटैक करेगा। यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस यहाँ पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, और ये जब भी ले जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये फ्रंट साइड अटैक कहते हैं, अटैक ये होगा बैक साइड अटैक, तो फ्रंट साइड अटैक नहीं होता, ये बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक इसके अंदर हुआ, तो बैक साइड अटैक, तो अब क्या होगा कि ये बड़ा लूप छोटा होना शुरू होगा। ठीक है, और छोटा लूप बड़ा होना शुरू होगा तो एक स्टेट आता है, ये ऐसा एक स्टेट आता है जहाँ पर दोनों लूप बराबर हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन भी चेंज करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ p ऑर्बिटल का शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये sp2 हो जाएगा, तो sp2 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका जो ये H जो है, यहाँ H के जब क्लोरीन ले लीजिए क्योंकि उसी को हटाना हमको, तो यहाँ क्लोरीन को हम दिखाएँ कि ये हल्का चार्ज लेके जा रहा है, और यहाँ पर हम OH को दिखाएंगे, तो OH को हम यहाँ पर दिखाएंगे तो इस ढंग से हम OH को दिखाएंगे कि OH जो हमारा है ये इस ढंग से है। ठीक है, ये बैक साइड से इस पर अटैक किया। ठीक है, नेगेटिव लेके तो अटैक किया, तो इस ढंग से हमारा ये लोग यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपका न्यूक्लियोफाइल के जगह पर यहाँ OH हम दिखाए हैं माइनस यहाँ को क्लोरीन, तो ये क्या है आपको कि ये इस ढंग से ये एक स्टेप होगा जहाँ पर दोनों लोग बराबर हो जाएगा। तो दोनों लोग बराबर हो जाएगा तो अब क्या है, ये हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, फिर से ये ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। इसको हम वेल्डन इन्वर्सन के नाम से भी जानते हैं, जो बैक साइड अटैक होता है उसको वेल्डन इन्वर्सन, और फ्रंट साइड अटैक होता है उसको रिटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारा ये बन गया। अगर आप उसको अगर 12th लेवल में तो हो जाए पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर ऐसे क्लोरीन होता है यहाँ पर, मैंने H होता, CH3 होता, C2H5 होता, बैक साइड का मतलब तो समझा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैक साइड से अटैक करेगा इसको उलट देगा, यानी कि यहाँ पर जो हम NaOH यूज़ करेंगे हम, इसको क्या करेगा, ये उलट के इस तरह से OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
वेल्डन इन्वर्सन के नाम से, ये बैक्सर से अटैक किया तो ये वेल्डन इन्वर्सन। हम आगे हम देखेंगे इन्वर्सन रिटेंशन क्या है, इन्वर्सन क्या है, आगे हमको देखना ही है, कवर करना ही है सब चीज़ को। तो ये हमारा हो गया बैक्सर अटैक किया तो ये वेल्डन इन्वर्सन यानी कि बैक्स, इसमें फॉर्म एसन टू में क्या हुआ बैक्सर। इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के अंदर देखते हैं, जानना जरूरी, इसे समझ में आसानी आता है, ये चीज़ भारी नहीं है। ट्वेल्थ वाले थोड़ा समझते हैं कि भारी है, ये भारी नहीं है, थोड़ा समझना है इसको। तो ये क्या हो, थोड़ा ग्राफ देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा ये CH3Cl है, ठीक है, प्लस आपका क्या है न्यूक्लियोफाइल भी है, तो एक बीच का एक स्टेप आता है जहाँ पर ये CH3Cl हटते हुए दिखता है, ये OH जुड़ते हुए जो दिखता है, यानी कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ये डॉट लाइन से, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि CH3 आपको OH बन जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा इसलिए क्या होगा नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है तो क्या होगा मोर नीचे में हमको क्या होगा थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट जो है नीचे जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया नीचे चला गया। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो ये नीचे चला गया, ठीक है। तो इस ढंग से आपका जो है ये हम देखते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू हुआ होगा, यहाँ पर अटैक करना शुरू किया होगा, यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, यहाँ बॉन्ड टूट के बन गया, ये हुआ SN2 के अंदर। तो CH3CL, CH3CH2Cl, CH3CHCl, चाहे यहाँ हम CH3 लिख देते हैं, यहाँ Cl लिख देते हैं, CH3CH3CH3 और Cl। और जैसे हम बताएं कि न्यूक्लियोफाइल जाके हटाता है, तो जाके हटाएगा तो ये क्या हुआ यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पे इसको हटाएगा, अब ये यहाँ पर जाएगा इसको हटाएगा, अब ये यहाँ जाएगा यहाँ हटाएगा, अब ये यहाँ जाएगा यहाँ हटाएगा, यहाँ पर जाएगा तब इसको हटाएगा, ठीक है, ये इसको हटाएगा, इस तरह से हटते चल जाएगा। तो ये क्या होगा, अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, हो क्या रहा है कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा इसको जो मॉलिक्यूल जो है पीछे एक जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, तो क्या होगा स्टेरिक क्राउड मिलते जाएगा। स्टेरिक क्राउड क्या होता है, जिसमें जितना ग्रुप जुड़ते जाएगा उसमें क्या होगा उतना भीड़ बढ़ती, क्राउड मतलब भीड़ होता है, इसको स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक क्राउड भी कहते हैं। तो क्या है कि ये क्या है, इसके अंदर ये CH3 आएगा, इस CH3 को आप ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना हो, वैसे इसको रिप्रेजेंट करना, तो इसको कैसे लिखिएगा, HCl, देखिए कितना भीड़ बढ़ते गया। अब इसी को लिखिएगा आप, तो ऐसे लिखिएगा H, फिर CH3 के लिए H, फिर आपका ये H, ये क्लोरीन। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए कितना कठिन होगा अंदर जाना कि इसको, बनस्पत उसके क्या है एक ग्रुप है ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है इसके चलते क्या हो गया रिपल्सन बढ़ गया, तो यहाँ पर अटैक करना कठिन हो जाएगा। यहाँ पर इसके तुलना में थोड़ा आसान है, सबसे आसान हमको यहाँ पर कोई क्राउड नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे ये नीचे और आएंगे हम तो हमारा क्या होगा और क्राउड बढ़ते चल जाएगा, H, 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा अटैक करेंगे हम तो इस पर हमारा जो है ये और कठिन हो जाएगा यहाँ पर अटैक करना, ठीक है, कठिन होगा। तो ये इस यहाँ पर नहीं के बराबर होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप इस सब रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा, इसको अंदर जाने ही नहीं देगा एक्चुअली। इसीलिए अगर आप इसको देखिएगा, इसको हम अल्काइल हैलाइड, ये भी 1 डिग्री के अंदर रहेगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस यानी कि सबसे कम किस में रिएक्शन हो रहा है आपको, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर सबसे कम रिएक्शन होगा, यानी कि SN2
अगर रिएक्टिविटी देखिएगा एस एन टू का रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री में सबसे लिस्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इस ढंग से होते चल जाता है। यानी हम पहले हम CH3X सबसे ज़्यादा इसके अंदर हो जाएगा इरेक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर जो होगा SN1 यानी कि SN2 को हम लिखते हैं इट इज़ ए वन स्टेप रिएक्शन, SN1 इज वन स्टेप रिएक्शन, जिसमें हमको क्या होता है एक ही स्टेप में एक स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है और एक रिएक्टिविटी होता है, तो वो सब चीज़ आपको 12th में नहीं पढ़ना है। तो एक स्टेप में रिएक्शन होता है, तो इसमें जो होता है SN2 रिएक्टिविटी को सबसे बड़ा जो फैक्टर जो डिसाइड करता है वो है स्टेरिक रिपल्सन। SN2 रिएक्टिविटी इज इफेक्टेड बाय रिएक्टिव कंट्रोल बाय स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन के द्वारा ये कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SN2 रिएक्टिविटी, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा जो SN2 रिएक्टिविटी होगा वो C3X में 1 डिग्री में। इसमें आप देखते हैं हम SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे इसमें हमारा क्या होता है। पहले बॉन्ड टूटता है CH3X, जो भी हमारा हो इसमें हमारा टूटेगा, तो CH3 + X - अब है CH3 + अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर, ये जुटेगा, ये बन जाएगा आपको CH3NU, न्यूक्लियोफाइल जुट जाएगा। मतलब इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझें आप, तो एग्जांपल के अंदर हम इसको हम देखेंगे कि ये जो आपका है CH3Cl टूट रहा है CH3+ और Cl- बना, और CH3+ के साथ आप कोई OH- ग्रुप डाल दीजिए, तो CH3OH बन जाएगा और ये इस ढंग से हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट, इसको हम थोड़ा हम देखें, अगर हम थोड़ा ग्राफ देख लें थोड़ा समझने में आसानी होगा, जिन लोग ग्राफ से भागते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा चीज़ आसान चीज़ है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पर हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये CH3Cl है, ये क्या होगा, टूट रहा होगा, फिर टूटेगा, फिर बन रहा होगा, फिर बनेगा। यहाँ हम दिखाएंगे ये CH3Cl टूट रहा है, यहाँ हम इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ये टूट रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर दिखाएंगे CH3 आपका टूट गया, फिर यहाँ दिखाएंगे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये अब ये अटैक करेगा, तो यहाँ दिखाएंगे CH3+ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका ये जुड़ते हुए चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम इस स्टेप को हम इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, इस दोनों को हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। 12th में ये सब उतना कुछ खास जानना नहीं है, इसको स्किप करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले हमारा टूट रहा होता है, फिर टूटता है, फिर जुट रहा होता है, फिर जुटता है, ठीक है, इस ढंग से होता है। तो यानी पहला प्रोसेस जो हो रहा है हमारा यो हो रहा है, ये टूटने का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब कोई चार्ज आता है तो बनना तो आसान होता है, यानी कि पहला स्टेप हमारा इसके अंदर 2 स्टेप है। अब पूछेगा इसमें जो है स्लो स्टेप कौन सा होता है,
एक फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस अगर है तो तुरंत क्विक रिएक्शन करने की कोशिश करेगा और ये रिएक्शन होकर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले तोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा और ये क्या होगा हमारा फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो फास्ट स्टेप होगा यानी कि SN1 रिएक्शन जो है टू स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप फास्ट है और दूसरा स्टेप स्लो है, यानी कि SN1 रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज स्लो व्हाइल सेकेंड स्टेप इज फास्ट। अब जो रिएक्टिविटी होता है, सेकेंड फास्ट हो गया, अब किस रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, यानी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन्स के नाम से जानते हैं कार्बोकेटाइन। अब देखिए हम बताएं कि पहला स्टेप स्लो है, तो पहला स्टेप स्लो है जो इसमें टूटने का काम हो रहा है, तो कितना जल्दी कोई मॉलिक्यूल टूट देगा, अगर ये टूट रहा है तो कितना जल्दी टूटेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि टूटने के बाद वो बनता क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है या लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये टूटेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसमें हमको स्टेबिलिटी किसका चाहता होगा, पहला का होगा या दूसरा का होगा या तीसरा का होगा, पहला दूसरा तीसरा या चौथा किसका होगा। तो हम पहले भी देखें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लें, हम क्या करते हैं पहले इसके, जैसे हमारा कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, इसको हम घेर देते हैं, ये टोटल पोर्शन को हम घेर देते हैं। घेर देने के बाद हमारा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनते हैं, इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, इसके पास 9 हाइड्रोजन हो गया, इसके पास उस तरह से 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन होगा, टोटल 6 हाइड्रोजन होगा। उस तरह से हम इसको हम घेर दिए थे यहाँ पे, उसी तरह से हम इसको हम ही घेर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, जस्ट पीछे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के पास है, इसको हम अगर घेर दें तो कोई हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन के पास हो गया। इसके अगर घेर देने के बाद कोई हाइड्रोजन, कोई कार्बन पीछे नहीं है, क्योंकि हम जो इस प्लस चार उसको नहीं, उससे बगल में चेक किया जाता है, तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के पास होगा। कि चलो ये होता है बहुत सारे चीज़ को हाइपर कार्बन कहा जाता है या इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो सीधा हम चीज़ आप लोग उतना ध्यान नहीं रखना 12th level में, बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनिए और स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो यहाँ नंबर स्टेबल हम वैसे भी इस वीडियो में पहले हम चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो यहाँ क्या हो गया आपका कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा आपका ये, उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा ये, उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा ये, उसके बाद, क्योंकि हम बताएं कि बॉन्ड पहले टूटेगा फिर टूटेगा। अब टूटने का सवाल है पहले टूटेगा कौन, जो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, मान लें आप स्टूडेंट हैं, तो आप कितना किसी को डोनेट कर सकते हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। अगर कोई बिजनेसमैन है वो कितना डोनेट कर सकता है, करोड़ों डोनेट कर सकता है, तो उसको उसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जितना डोनेट करें 100, 50, 100, 200, 500 जो भी दे रहे हैं, आप उसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम को तभी रिलीज़ करता है, किसी चीज़ को तभी टूटने देता है जब उसके जाने से फ़र्क नहीं पड़े, यानी वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस चीज़ को उतना जल्दी रिलीज़ करेगा। यानी कि सबसे स्टेबल कौन है आपका ये, तो सबसे स्टेबिलिटी स्टेबल कौन होगा ये, तो सबसे पहले कौन रिलीज़ करेगा ये, यानी SN1 रिएक्टिविटी जो हो जाएगा
ऑर्डर जो हो जाएगा आपको 3 डिग्री Rx, फिर 2 डिग्री Rx, फिर 1 डिग्री Rx, फिर CH3X, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी हम SN1 SN2 को दोनों को लेते हुए एक सवाल लेके आएंगे जिसमें हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, हम फिर हम आगे उसमें और कुछ देखें जिससे कि आपका कंसेप्ट बन जाए, आपको कुछ और इससे अलग से कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल बनेगा, जो भी सवाल बनाना हो आपको मेन आप 12th या नीट का किसी का भी सवाल बन जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।